Hello, I am Aditya Yadav and you are watching The Social Indian. In this video, we'll be talking about life at Delhi University and we'll be talking about the life experience I have got in Delhi University pursuing LLB from last year. तो सबसे पहले तो भाई हिंदी में शुरू करूंगा इस वीडियो को क्योंकि यह वीडियो जो है वो दिल से निकल कर आ रही है और मैंने अपने कैमरामैन दोस्त को प्रॉमिस किया है कि एक शॉट में इस वीडियो को दूंगा. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि व्हेन आई टुक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी उससे पहले मैंने दो एग्ज़ाम और दिए थे और मैं दो जगह से और एलएलबी के लिए एलिजिबल था और वहाँ मैंने कोर्स पढ़ना शुरू भी कर दिया था. लेकिन जब यहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ तो दिमाग में एक बात आई कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी, यार आप भी सोचो. मैंने भी वही सोचा कि यार नाम तो है, ब्रांड तो है और मुझे हमारे एक प्रोफेसर की बात जो पहले दिन ही लेक्चर में उन्होंने कही थी वो याद आती है कि जब वो कहीं और पढ़ाते थे तब वो फेसबुक पे कितनी भी अच्छी फ़ोटो डाल देते थे 50-60 से ज़्यादा लाइक नहीं आते थे. लेकिन अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अब अगर वो मुँह तो भी फ़ोटो डाल देना तो भी 1000 से ऊपर लाइक आ जाते हैं. ये फ़र्क है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये फ़र्क है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ब्रांड होने का. आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे और कहेंगे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहा हूँ तो आप यह बात गर्व से कहेंगे, आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा और लोग भी आपको जानते होंगे कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहा है, ये लड़का ज़रूर इंटेलिजेंट है. लेकिन सच्चाई तो हम भी जानते हैं. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत मिक्स रहा. सबसे पहले यहाँ के फेस्ट, यहाँ का कल्चर, यहाँ के इलेक्शन, यहाँ की सोसाइटीज़, सब कुछ मेरे लिए अलग था. और अगर आप पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं तो मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि हाँ आप भी अमेज़ होंगे और आपको भी कई चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी. फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर लगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे जो फ़र्क मिला वो था एक्सपोज़र और अपॉर्चुनिटीज़. एक्सपोज़र इस सेंस में कि जो चीज़ें आप बाकी लॉ कॉलेज में कर रहे थे वो यहाँ पर आप ज़्यादा बड़े मार्जिन पे करेंगे, ज़्यादा बड़े लेवल पर करेंगे और ज़्यादा कंपटीशन के बीच में करेंगे. क्योंकि एक ही बार में जब आप 2600 बच्चों से कम्पीट करेंगे तो और किसी लॉ कॉलेज में आप जहाँ पे 250 लोगों से कम्पीट कर रहे थे यहाँ पे आप सीधा आगे 2600 लोगों से कम्पीट करेंगे तो एक्सपोजर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. दूसरा अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की मूट कोर्ट सोसाइटी है फैकल्टी ऑफ लॉ में, तीनों के तीनों सेंटर में उपलब्ध है. अब मूट कोर्ट सोसाइटी आपको मूटिंग में हेल्प करेगी, आपको फर्दर लिटिगेशन में हेल्प करेगी. अब यह एक मानी जाती है बात कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं या तो वो जुडिशरी के लिए लेते हैं या वो लिटिगेशन के लिए लेते हैं. जी हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप लॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको वही मिलेंगे जो या तो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर लिटिगेशन की अपनी तैयारी कर रहे होंगे. अगर आप इससे आगे करियर देखते हैं तो शायद यहाँ पर आपको एक्सपोजर उस लेवल पर इतना ज़्यादा ना मिले, इतने अच्छे दोस्त ना मिले आपके उस फील्ड के जितने कहीं और कॉलेज में मिल सकते हैं. लेकिन हाँ, यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, यहाँ पर जो वैरायटी है, यहाँ पर देश के हर कोने से बच्चे आ रहे हैं, आपको हर कल्चर को देखने को मिल रहा है, आपको हर फील्ड में जाने का मौका मिल रहा है. यह नहीं है कि सिर्फ लिटिगेशन और यहाँ पर जुडिशरी के ही बच्चे हैं, यहाँ पर और भी तरह के लोग आगे की सोच रखते हैं कि भाई लॉ के बाद मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा. अब तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा बड़ी लगती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी की जो पोजीशन है वो है नॉर्थ कैंपस में, और नॉर्थ कैंपस होल्ड करता है एक अलग ही पोजीशन. क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगे कि आप नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उसकी नज़रों में आपके लिए जो सम्मान होगा शायद वो बताने के बाद और बढ़ जाएगा. अब सिर्फ इस सम्मान की ही बात नहीं है, यहाँ पर बात है क्वालिटी की. मैंने अपने पहले ईयर में 3 मूट कॉम्पिटिशन किए. मैं नेशनल मूट कॉम्पिटिशन गया, नेशनल क्रिमिनल मूट कॉम्पिटिशन गया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मूट कॉम्पिटिशन गया. मैंने देखा कि यहाँ पर जो आपको एक्सपोजर मिलता है, जो आपको सीखने को मिलता है, एक साल में आप इतना सीख जाते हैं जो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में शायद एक्सपोजर भी प्राप्त ना कर पाएँ. यहाँ आपको केस मटेरियल मिलते हैं, केस मटेरियल में सारे केसेस कंपाइल्ड हैं, उन केसेस को पढ़कर ही आप उस लेवल तक की नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं जो एक ऑर्डिनरी लॉ कॉलेज में बच्चा 3 साल में हासिल करेगा. फिर जो सिलेबस पैटर्न है वो उस हिसाब से बनाया गया है कि आपको फर्दर स्टडीज़ में हेल्प करें. तीसरा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है. क्योंकि जब भी आप रिज्यूमे में दिल्ली यूनिवर्सिटी डालेंगे तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है. अब हम बात करते हैं कॉलेजेस की सोसाइटी की. तो मैं लॉ सेंटर 1 का स्टूडेंट हूँ तो हमारे कॉलेज में मूट कोर्ट सोसाइटी है, लीगल सर्विस सोसाइटी है जो आपको प्रो बोनो हेल्प करेगी. आप लीगल सर्विस कर सकते हैं लोगों के लिए, जाके लोगों को सहायता दे सकते हैं, लीगल हेल्प दे सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं.
आपको अस्तित्व जैसी आर्ट्स एग्जीबिशन वाली सोसाइटी मिलेगी जहां पे अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की कला दिखा सकते हैं। आप जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी में जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल लॉ कमेटी में जा सकते हैं, आप सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको फैशन का शौक है तो आप मंत्रम सोसाइटी है उसमें जा सकते हैं, अगर आपको संगीत का शौक है तो आप राग करके सोसाइटी है उसमें जा सकते हैं। जहाँ पर आपको एक्सपोजर बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, जो शायद किसी और लॉ कॉलेज में ना मिले, और दिल्ली यूनिवर्सिटी उन प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेजेस में है जो आज के टाइम भी 3 ईयर LLB कोर्स कराते हैं और आपको मौका देते हैं कि ग्रेजुएशन में जो आप सोच नहीं पाए थे 12वीं के बाद, वो गलती सुधारने का और लॉ ऑप्शन में आने का। जी हाँ, मैंने भी 12वीं के बाद तय नहीं किया था, मैं खुद भी एक एक्सीडेंटल लॉयर ही बनूंगा अगर बनूंगा तो आप भी आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आएँ, इस फैकल्टी का, इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर पाएँ और इस फैकल्टी से निकलकर आप एक ऐसा सितारा बने जो आप अपनी नज़रों में सोचते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। तो यह था मेरा एक्सपीरियंस, और आगे की वीडियोस में जब हम बोर होने लगेंगे कंटेंट से तो ऐसे ही एक्सपीरियंस मैं लाता रहूँगा और लोगों को यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके बीच वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और आपको वो बता सकें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, क्या खासियत है हमारी फैकल्टी की, क्या हमें खास बनाती है और क्या है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए इतने लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से इतने टफ कॉम्पिटिशन के बाद आप लोग सिलेक्ट होंगे या आप लोग फैकल्टी में आएंगे तो क्या महत्व है उस बात का। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। पूरी वीडियो हमने हिंदी में बनाई है, जी हाँ, बहुत मुश्किलें आई हैं, एक शॉट में नहीं भी बनी है, लेकिन आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रखिए तो एक शॉट में वीडियो बनने लगेंगी। और जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। भारत माता की जय, जय हिंद, और उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपको लॉ फैकल्टी में मिलेंगे।